हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वन एंड ओनली बहन का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़े। तो मैंने दुकान से ब्रेड ला ली है, तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो मैं आपको और बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे कट किया है। तो ये मैंने ब्रेड ले ली है, इसको मैं बताती हूँ कैसे काटना है। तो पहले आजू बाजू से इसको काट के इसके बाद में इसको ऐसे काटना है हमें, और जो बाजू का पार्ट है उसको हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो कुछ वेस्ट में नहीं जाएगा। ये इस तरीके से कट जाएगा, तो बाकी को भी हम ऐसे ही काटेंगे। उसको कट कर लिया था अच्छे से। अब ये मैंने आलू बॉइल्ड वाले लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से जितने आपको आलू चाहिए उतने आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बॉइल्ड कर लिए हैं आलू को। अब इसको हम छील लेते हैं पूरा अच्छे से। तो अभी अपन स्टफिंग बनाएंगे। तो अब इसमें पहले मैंने तेल डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा ही मैंने तेल डाला है। अब इसमें जीरा डालेंगे, एक चम्मच। फिर सौंफ डालेंगे, दो चम्मच करीब। फिर राई डालेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी है ये, मैंने कसूरी मेथी डाली थी थोड़ी सी। अब ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो डाल देते हैं। इस हरी मिर्ची मैंने इसमें मैंने 7-8 मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, वो डाल देंगे। थोड़ा सा अच्छा चटपटा बनाना है इसीलिए। लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, और टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये मैंने आलू को अच्छे से तोड़ लिए हैं, तब इसको हम डाल देते हैं इसमें। तो मैंने इसमें तेल कम ही यूज़ किया है ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से बने। तो इसको इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको तोड़ते रहिएगा और अच्छे से उसको मिलाते जाइए। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसमें हम धनिया डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश करते हुए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारी स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अभी हम बेसन का पेस्ट बनाने वाले हैं। तो ये वाले मैंने बेसन ले लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये मैंने 5 कप करीब पानी इसमें डालते जा रही हूँ। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे। ये बैटर के ऐसे रहेगा इस तरीके से। तो इसमें अब बस हमें ये दो चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, टेस्ट के हिसाब से नमक, मतलब मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और एक चुटकी करीब और, तो वो उतना मैंने लिया है नमक। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको इस तरीके से घुमाना है जैसे इसमें बबल्स नहीं बनना चाहिए। तो इसको अच्छे से घुमा लीजिए और फिर आपका बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ और
इसमें हम तेल डालेंगे क्योंकि हमें सब तलना है अब। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको, जैसे मैं हमारे पूरे बड़े अच्छे से तैरने लगे उतने हमें इसमें डालना है। तो ये तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग भर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से इसको भरूंगी। तो ऐसे 1 चम्मच हम करीब इसमें लेंगे, इसको ऐसे इसमें डालेंगे, उसको अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से आजू बाजू से पूरा पहुंचा देंगे। और उसके ऊपर से फिर दूसरा ब्रेड जो ऐसे ही शेप में कटा है उसको उसके ऊपर रख देंगे। तो ये इस तरीके से बन गया। तो ऐसे ही मैं बाकी भी कर लेती हूँ। हाथों की मदद से थोड़ा सा ऐसे प्रेस भी कर देना तो वो अच्छे से पूरा सेट हो जाएगा। तो तेल गरम हो गया है तो इसको इस तरीके से, इसमें पूरा अपन ने जो बैटर बनाया था उसके अंदर पूरा अच्छे से इसको डिप कर देंगे। इसका जो बाकी का बचा वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और इस तरीके से इसको तलने के लिए डाल देंगे। तो तेल अच्छा गर्म हुआ है तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी भी डाल देंगे। तो ये एकदम दुकान वाला टेस्ट आएगा इसमें। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। और ये बच्चों को आप कभी भी टिफिन विफिन में अगर रहता है तो आप भिजवा सकते हैं, और मेहमान आए तो उनको भी दे सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बनता है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने ये ट्राई किया है और आपको ये रेसिपी पसंद आई है। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना ताकि मैं और ऐसी वीडियोस ला सकूँ आप लोग के लिए। तो फ्लेम को तेज कर देते हैं। तो देखिए इसका कलर धीरे धीरे कितना अच्छे से चेंज होते जा रहा है। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको धीरे धीरे करके आप बनाते जाइए। फ्लेम कम पे भी रखेंगे तो भी अच्छा है, तेज़ पे भी रखेंगे तो भी अच्छा है। इन कम पे रखेंगे तो अच्छे क्रंची क्रंची होंगे और तेज़ पे रखेंगे तो तब भी क्रंची होंगे लेकिन उतने नहीं जितने हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप अच्छा पेशेंस रख के बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए हमारे बड़े बन के एकदम तैयार हो गए हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेंगे। तो इसका हम कलर चेंज होते तक इसको अच्छे से पकाएंगे जैसे हमने बाकी के पकाए थे। तो इसको पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी अच्छे से उसका हो जाएगा तब तक। ये अच्छे से बन गए हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने हरी चटनी बनाई है जो, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स डाल चुकी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
अभी मैंने ये इसका सर्व कर लिया अच्छे से सॉस और ये हरी चटनी के साथ में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।